नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज आपको बताने जा रही हूं एक वीर की कहानी। जी हाँ, एक वीर सैनिक की कहानी बताने जा रही हूं, उसके बारे में आज आपको बताने जा रही हूं। न्यूज 18 का एक आर्टिकल है, इसकी ये न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा भावुक है और आप सबको जाननी चाहिए, क्योंकि ये कितना ज्यादा फक्र की बात होती है। आप पूरी न्यूज सुनिए तब आपको पता चलेगा। भारत के उस वीर सपूत की कहानी जिससे मैं हुआ समझने की पाक सेना ने की थी भूल। जी हाँ, 1956 के वॉर के दौरान यहाँ पर हमारे एक सैनिक थे जिनको पाकिस्तान आर्मी है, उन्होंने समझा कि ये मर गए हैं और वहीं इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे सैनिक ने अपने आप को मरा हुआ दिखाकर क्या किया है, पूरी कहानी जानी है। 24 अगस्त को वो 8,464 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर रात 11 बजे पाकिस्तान की उड़ी पश्चिम शंख को तोड़ दिया। इस दौरान कई हिंदुस्तान सैनिक भी शहीद हो गए। सन 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने वाली भारतीय सेनाओं में बागपत के कैप्टन राज सिंह भी शामिल थे, जिनके शरीर पर जख्मों के गहरे निशान पर उनके परिवार को आज भी फक्र महसूस होता है। जंग के दौरान उन्होंने दुश्मन सैनिकों से उनका संदूक छीन लाए थे, जो आज भी उनके घर पर मौजूद है। राज सिंह को 14 राष्ट्रपति मेडल भी मिले और उनसे प्रेरित होकर 3 पीढ़ी सेना के जरिए देश की सेवा कर रही है। भागपत के गांव निवासी कैप्टन राज सिंह के पुत्र ओमवीर बताते हैं कि वर्ष 1965 में फर्स्ट बैच रेजिमेंट में नायब सुबेदार के पद पे थे। उनकी तैनाती बारामूला के तहसील उरे में थी। 14 अगस्त 1956 को दोपहर 1 बजे अपनों के साथ मेस में खाना खा रहे थे। इसी दौरान वहां पर 15 से 20 मोर्टार आ गिरे और अलार्म बजने लगा। सभी जवान ब्रिगेडियर रण सिंह के नेतृत्व में हथियार लेकर पहाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। 24 अगस्त को 8,464 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर रात 11 बजे पाकिस्तान की पश्चिमी शंख को उड़ा दिया। इसी दौरान कई हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हो गए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और 28 अगस्त को पीर पंचाला रेजिमेंट के हेडक्वार्टर्स पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ पर आप देखें तो लिखा है वीर मिल चुके हैं 14 राष्ट्रपति पुरस्कार। इसके अलावा उन्हें कई और अन्य मंचों से भी पुरस्कार मिले हैं। उनके पिता से प्रेरणा लेकर ही उनके परिवार ने कई युवा वायुसेना, स्थल सेना, नौसेना में नौकरी कर रहे हैं। उनकी इस वीरता को याद कर उनका परिवार आज भी फक्र महसूस करता है, और करे भी क्यों ना। ऐसे वीर महान की कहानियों को सुन के ही हमें इतना फक्र महसूस होता है। तो उनके परिवार को, जिन्होंने उस सिचुएशन को डील किया है, उस सिचुएशन के साथ डील किया है, जिन माँ ने अपने बच्चे को खोया है, जिन परिवार ने अपने बेटे को खोया है, तो उन्हें तो इस बात के लिए फक्र महसूस होना चाहिए आजकल और हमेशा। इस वीडियो को सुनने के बाद और हमारे भारतीय सैनिक की वीरता को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।